आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जिस फॉर्मूला को निकाले थे उसी फॉर्मूला से रिलेटेड आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन टेन फाइव एक्स डीएक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेन के पावर फाइव एक्स है, डीएक्स है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था कि टेन एन एक्स डीएक्स जब रहे तो इसका वैल्यू हमने देखा था कि टेन एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एन माइनस टू एक्स डीएक्स, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। तो जब हम यहाँ पे एन के जगह पे अगर फाइव रखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है, टेन फाइव एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, जहां पे भी आपको एन दिख रहा है वहां पे फाइव रखेंगे, तो यहाँ पे जब एन माइनस वन के जगह पे फाइव रखेंगे तो ये हमारे पास फोर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम रखे तो ये हमारे पास टेन थ्री एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब फिर इस फॉर्मूला में जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेन थ्री एक्स का जब रिडक्शन फॉर्मूला है तो इसके जगह पे फिर हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास आया वो हम इस तरीके से लिखेंगे, तो टेन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर है तो पहले से है, और यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं राइट, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टेन, एन के जगह पे तीन रखेंगे तो हमारे पास सिंपल टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टेन फोर एक्स बाई फोर है, ये माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है लॉग ऑफ सेक एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस करके टेन फोर एक्स बाई फोर माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ लॉग कोसेक। तो ये दोनों फॉर्म आंसर आपका सही होगा, ये दोनों चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और ये बेसिकली इसका आंसर, आप ये आंसर लिखो या फिर सेकंड वाला आंसर लिखो, दोनों सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर आपका यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था टेन टू द पावर फाइव एक्स का, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया भी है, सीएस वीडियो के एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू एंड टेन एन थीटा डी थीटा, तो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एन आई एन माइनस वन प्लस आई एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये हमें प्रूफ करके लाना है, और इतना हमें गिवन है, इतना हमें दिया गया है। तो जब ये हमें दिया गया है और हम जानते क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है राइट, वी नो आई एन के जगह पे अगर हम सपोज इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पाई बाई सॉरी ये पाई बाई फोर है ना, ये पाई बाई फोर है, यहाँ पे टू नहीं है, पाई बाई फोर है, और यहाँ पे हमारे पास टेन एन थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं कि हम एन थीटा का वैल्यू जानते हैं कि टेन n माइनस वन थीटा डिवाइडेड बाई n माइनस वन, और फिर हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर एंड टेन n माइनस टू थीटा डी थीटा, और यहाँ पे भी हम लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जीरो टू पाई बाई फोर हो जाएगा। जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे और आई एन यहाँ पे आते जा रहा है, तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो पाई बाई फोर रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचा वन बाई एन माइनस वन, और यहाँ पे इसको क्या, हम जब यहाँ पे एन था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारे पास एन था तो उसको हम क्या लिखे, यहाँ पे भी एन से डिनोट किए, जब ये एन था तो यहाँ पे भी एन लिखे, और जब यहाँ पे एन माइनस टू है तो हम क्यों ना इसको आई एन माइनस टू लिख सकते हैं, तो जब हम इसको आई एन माइनस टू लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम इसको इन दोनों को एक साइड लिख सकते हैं, आई एन प्लस आई एन माइनस टू, और ये हमारे पास हो जाएगा वन बाई एन माइनस वन, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एन माइनस वन एंड आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब हम यहाँ पे देख सकते हो कि हम अगर इस रिप्लेस करें किसको रिप्लेस करें, तो एन प्लस वन फोर एन, मतलब n के जगह पे n माइनस वन, n के जगह पे अगर हम n प्लस वन रख देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि जब हम n के जगह पे n प्लस वन रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई एन प्लस वन प्लस आई एन प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू वन। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, n आई एन प्लस वन
प्लस आई एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, यही तो हमें लाना था और ये चीज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज हमें लाना था और ये चीज हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाता है। तो अगर बेसिकली यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास जो फॉर्मूला पुट करना था, तो ये फॉर्मूला जब हमें यहाँ पे लाना था और यही फॉर्मूला जब हमारे पास आ जाता है, तो इसको चलिए हम अलग एक सेफ जगह पे लिख लेते हैं। हमें लाना क्या था, वन सेकेंड मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ के थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है यन यन प्लस वन एंड सॉरी ये आई था, वन सेकेंड, यन एंड आई यन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। अगर हम इसको आप देख सकते हो कि एन माइनस वन वाला पहले है, इसको अगर हम पहले लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास जो हमें प्रूफ करके लाना था वो आपके पास प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से आज का हमारा तीन क्वेश्चन हमने, दो क्वेश्चन हमने लिया, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा कवर हुआ। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सी अ गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू।